अच्छा भाईजान, अक्सर जब भी हम अपने हस्पे हाल में मेहमानों को मधु करते हैं तो मुझ पे ये एतराज़ किया जाता है कि मैं उनकी तारीफ़ें बहुत ज़्यादा करता हूँ और सारा वक्त तारीफ़ों में ज़ाया कर देता हूँ। आज मुझे ये आसानी हासिल है, मेरी ये खुशकिस्मती है कि मेरे तीनों मुअज़्ज़ज़ और इंतहाई सीनियर मेहमान ऐसे हैं जिनके बारे में आमतौर पर पहले ये कहा जाता है कि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन मेरे आज तीनों सीनियर जो मेहमान हैं वो किसी तारीफ के भी मोहताज नहीं। माशाल्लाह, मतलब पाकिस्तान टेलीविजन की हिस्ट्री है, तारीख है, जोग्राफिया है, सब कुछ वही है। मोहतरम जनाब मोहम्मद कवी खान साहब, मोहतरमा कमल नसीर साहिबा और द ग्रेट तारिक अजीज साहब, और उनके साथ तशरीफ रखती हैं उभरती हुई बहुत जबरदस्त गुलकारा दामिया फारूक साहब। बहुत शुक्रिया अपना जुनैद, आज तो तुमने मजा दिला दिया है। आज असल में खान साहब हुआ ये कि बकरा ईद है जी, तो बकरा ईद में सारे लोग जो हैं वो घर रोते हैं, क्योंकि यहाँ का असूल है बकरा या अब्बा घर रोना जी, तो बच्चे बाहर नहीं। यार तो सीरियस बात हो रही है, वो शक्ल करो, अभी लितर ना खा लेना। तो वो इसलिए हमने ये सोचा कि हम अपनी अगली नस्ल को बताएं, ये जो आप टेलीविजन देखते हैं बैठ के, इसका पाकिस्तान में आगाज कैसे हुआ था, शुरुआत कैसे हुई थी। तो आप माशाल्लाह तीनों वो शख्सियात तशरीफ फरमा हैं जिन्होंने टेलीविजन का आगाज किया था। तारिक अजीज साहब जो हैं ये पाकिस्तान के टेलीविजन की पहली आवाज और तस्वीर है। अच्छा, मुदाखलत पर माफी चाहता हूँ, अगर गुफ्तगू का आगाज मोहतरम जनाब तारिक अजीज साहब के एक शेर से कर लिया जाए। जी बिस्मिल्लाह। वाह तारिक साहब, प्लीज एक शेर अनायत कर दे अपना पसंदीदा, बेशक आपका ना हो। जी शेर है कि वो इस वक्त हम तीनों पर मुंतबिक होता है, उतार लो इन्हें दिल में के फिर न देखोगे, उतार लो इन्हें दिल में के फिर न देखोगे, ये सूरतें जो हैं अब जलवा बार हम नफसों, कहीं रुकें कहीं साए में बैठकर सोचें, इलाज गर्दिश लैलो निहार हम नफसों। अल्लाह ताला आपका साया, ऐसे तारिक साहब अल्लाह पाक आपको हमारे सर पे सलामत रखे। आपकी तस्वीरें जो आप है ना जी, आपको तो सारी जिंदगी जब तक पाकिस्तान है हम देखते रहेंगे अल्लाह के फजल से। आप जैसी शख्सियात जो हैं वही तो पाकिस्तान का चेहरा है। कवी खान साहब और कमल नसीर साहबा पाकिस्तान टेलीविजन के पहले ड्रामे के हीरो और हीरोइन। क्या बात है, कमल नसीर साहबा पहली अनाउंसर भी हैं, फीमेल अनाउंसर। मेल अनाउंसर तारक साहब ने इसका आगाज किया था टेलीविजन का, और कमल नसीर साहबा पहली फीमेल अनाउंसर और न्यूज़कास्टर भी हैं। और मेरा ख्याल है कि चूंकि फीमेल से शुरू होना चाहिए एहतरामन, कमल नसीर साहबा जो हैं ये 7 साल की उम्र में रेडियो पर इन्होंने शुरू किया था अपना फन का आगाज, और मेरा ख्याल है कि अब भी रेडियो के साथ वाबस्ता हैं, और कुछ 60 साल हो गए आपके इस सफर को माशाल्लाह। और कवी खान साहब भी बचपन में ही रेडियो से मुंसलिक हुए, और उसके बाद 64 में ये ड्रामा पहला इन्होंने किया था कमल नसीर साहबा के साथ, नजराना था सर जी जी ड्रामे का नाम, जी हाँ जी हाँ जी, जिसमें हीरो और हीरोइन थे, और देखो आज भी हीरो और हीरोइन ही लग रहे हैं माशाल्लाह। इसको कितना अरसा हो गया, तुझे थोड़े देर से अपने बेड़े गर्क कर तीनों लेजेंड को देखकर खुशी गई है आलम के मेरे पांव जमीन पर नहीं लग रहे। अर्ज करना चाहता हूँ कि ये पहली हीरोइन और वो पहला हीरो, और मैं इधर अनाउंसर और कम न्यूज रीडर जी जी, और ये अनाउंसर भी थी, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरा और कवि का कभी झगड़ा नहीं हुआ था। तारक साहब जनूबी एशिया की वो शख्सियत हैं जिन्होंने 1975 में अपने एक शो का आगाज किया था नीलाम घर के नाम से, और उसके बाद 1997 में उसका नाम हो गया था अपना नीलाम घर का तारिक अजीज शो, और उसके बाद कोई 2002 में या 1 में उसका नाम बज़्मे तारिक अजीज हो गया, और इसको 42 साल हो गए। अक्सर हम इस बात का जिक्र करते हैं कि जो कुछ उसके बाद आज तक होता चला आ रहा है वो
तारक अजीज साहब के नीलाम घर को ही कॉपी कर रहे हैं इस अंदाज में, इस अंदाज में। अच्छा, इस शो में जो आजकल के एंकर करते हैं भाजना से हाल के अंदर है, ये भी तारक अजीज साहब ने शुरू किया हुआ है शो के अंदर भाग दौड़ के पूरे शो को कंपेयर करना। तुम क्या करते हो कि तारक साहब अपना शो इस तरह करते हैं जैसे बब्बर शेर खुल गया है। बिल्कुल मूवमेंट होती तारक साहब की बिल्कुल ऐसे हुआ। हाँ जी, हाँ जी। कभी खान साहब के मतलब भी मुझे दो तीन बातें कह लेने दो, वरना ब्रेक से मैं तुम्हें। कभी साहब ने 64 में टेलीविजन शुरू किया और 64 में पहली फिल्म की थी सर। जी जी जी, 64 में पहली फिल्म 26 नवंबर 1964। मेरी पैदाइश से 30 साल पहले। हाँ जी, मेरी पैदाइश से कमोबेश 30 साल पहले। 6 साल की जगह घंटे ला लो। 26 नवंबर 1964 तारक अजीज साहब ऑन एयर गए थे और 27-28 को हम दोनों ऑन एयर गए थे, लेकिन कबल पहले गई नहीं क्योंकि ये अनाउंसमेंट भी करती थी। जी जी। तो हीरो हीरोइन जो थे वो 28 नवंबर 1964 को ऑन एयर गए थे और उस वक्त तक हीरो को हीरोइन से ये कहने में कि आई लव यू पता नहीं कितना अरसा गुजर जाता था और 5-5 फुट दूर परफॉर्मेंस होती थी। सर बनता ही है आजकल तो बच्चे हमें राज जानते आई लव यू कहते। अच्छा तारिक साहब, आपके बारे में आम तौर पे कहा जाता है कि कोई शोभा नहीं आपने छोड़ा, मतलब अदाकारी देख लें, एंकरिंग देख लें, अदब देख लें, फिल्म देख लें, ड्रामा देख लें, तो कई लोग पूछते हैं कि आप टिक के क्यों नहीं बैठते किसी जगह। मल्टी क्वालिटीज आदमी है और सारी कमा को पूरी की है। मैंने थिएटर किया जी, लेकिन बहुत कम किया थिएटर। थिएटर के बाद मैं रेडियो पाकिस्तान में चला गया, वहाँ मैंने कोई 4-5 साल गुजारे, न्यूज़ रीडर था और अनाउंसर था। उसके बाद मैं टेलीविज़न में आ गया, टेलीविज़न से मैं फिल्म में चला गया। पहली फिल्म मेरी थी इंसानियत, इंसानियत ज़ेबा और वहीद मुराद के साथ। फिल्म के बाद मैं सियासत में चला गया, सियासत में गया तो वहाँ भी मैं कौमी असेंबली तक पहुँचा और एक बात मैं पूरे फ़ख्र से, ये फ़ख्र पूरे पाकिस्तान का है लेकिन अल्लाह ने मुझे चुना कि मैं अभी तक पाकिस्तान का पहला आर्टिस्ट हूं जो इलेक्शन लड़के कौमी असेंबली में पहुँचे। आज 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान बने हुए, तो अभी तक ये अपना कवि खान ने भी तो इलेक्शन 85 में। कवि से मेरी दोस्ती जो है बहुत वो अब पता नहीं कितने माहों बरस की धूल उस पे जम चुकी है और अब एक दूसरे से जब मिलते हैं तो कोई खुशी नहीं होती और कोई एक्साइटमेंट भी नहीं होती। बस ये कि कभी आ गया, हाँ आ गया, कुछ एक महीने मेरी और मैं, इसने मुझे घर लेके दिया जब मैं लाहौर आया हूँ किराए पर, वो इसके के रिश्तेदार का किसी का था तो मेहरबानी इसकी के मैं बेघर था तो इसने किराए पे घर ले दिया। हमारी दीवार सांझी थी, दरमियान में से खिड़की भी हमने निकाल ली, दोनों घर गोया एक हो गए। लो जी, 3-3 महीने मेरी इसकी मुलाकात नहीं होती थी, दीवार सांझी है। बिल्कुल बिल्कुल, कभी फोन आता है की कर रहे हैं, मैं क्या बात में बैठा की पक्के ही एक रोटी भिजवा दे यार और मिलना नहीं कुछ नहीं, सालन ठंडा हो जाए कुछ नहीं, ये फैक्ट है। 3-3 महीने हम नहीं मिलते, चार बड़े मजेदार लोग और दोनों में जो एक कदर मुश्तरक है वो जाहिर है जैसे पहले उन्होंने बताया वो सियासत भी है, फन के अलावा सियासत भी है। उन्होंने नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़के जीता था, कभी खान साहब जीत क्यों नहीं पाए ये भी एक बड़ी दिलचस्प दास्तान है, जरा कैसे बताइए मामला क्या था। असल में तारिक अजीज की वोकैबुलरी और तारिक अजीज का इल्म और किताबें और ये और अशआर और गुफ्तगू का तकरीर और तकरीर इनका और ऑडियंस को बिल्कुल जोश, ये इन्हीं का काम है, ये मेरा काम नहीं था। मुझे ये में नहीं, ये नहीं पता था कि MNA की सीट बड़ी होती या MPA की।
वो अल्लाह बख्शे जमील फखरी तो दो तीन या माना चंद वगैरह ये सब ऐसे ही बैठे थे वहाँ, हम लोग थिएटर कर रहे थे फैसलाबाद, तो उसने कहा कि भाई तू खड़ो जा यार। मैं कहा किस तरह गैर खड़े हो गए यही हुआ। मैं मुझे याद है कि मैं उस वक्त आता जाता था लाहौर में, सारे जमील फखरी साहब, अल्लाह बख्शे, इरफान खुजर साहब, चांदपुरी साहब, ये सारे लोग, बस एक मजा आ रहा होता था जी कवि साहब इलेक्शन लड़ रहे जी, 1500 में आदमी खड़ा हो जाता था। सर तुम 1500 की गल कर दियो, तुम 50 रुपए कटो है हमने खिलो जाए बल्कि दौड़ भी पाए। अब मुझे नहीं पता था कि तकरीर कैसे करते हैं, तो हमारे पास छोटी सी गाड़ी थी, हम ये फकरी वगैरह बाहर निकलते थे तो लोग जमा हो जाते थे, तो मैंने कहा यार क्या करें, तो फिर मैंने रियाज़ुर रहमान सागर, अल्लाह बख्शे, अंधेरा उजाला चल रहा था, तो उसने एक शेर लिख दिया कि अंधेरा नहीं हूँ उजाला हूँ मैं, और अंधेरों से टकराने वाला हूँ। ये शेर मैंने पढ़ दिया तो तालियां बजी, मैं पक्का हो गया, हर तकरीर में अंधेरा नहीं हूँ उजाला। फिर मैं देखता था कि ये MPA वाला जो मेरा है ये क्या कर रहा है, तो एक जगह मैंने देखा, मैं जरा उस सीट पर होता था, मैंने वो साइड में होता था, तो अब वो एक बाबा जी थे, तो वो MPA साहब खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मैं थोड़े से करंगा वो करंगा, मैं वो स्कूटर हाँ, और तुसी बैठोगे तो मैं तानू ले जावांगा। तो अब वो बाबा जी कह रहे हैं शाबाश शाबाश है, फिर वो कोई बात करता शाबाश है, अप्रिशिएट कर रहे, तो अब मुझे तो शाबाश कहने वाला कोई नहीं था, मैं खड़ा हो गया, मैं कहा मैं भी वो स्कूटर हाँ जड़ा जड़ा बगैर पेट्रोल से चलांगा। फिर मैंने कहा मेरा नहीं उजाला कभी, फिर तालियां। आप यकीन करो आखिरी दिन मैंने 11 तकरीरें की और मैंने 10,000 वोट लिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 10,000 वोट तो मैंने ले लिए, सब कुछ ले लिया, लेकिन मैं आपसे कसम खाकर कहता हूँ एक बात की जो बड़ी संजीदा बात है, कि मैं इसी तरह पर रात को आया, कोई 1 बजे घर और सो गया, और मुझे पता था कि मैं कल हार जाऊंगा, और मैं हार गया था क्योंकि मेरे सामने बड़े बड़े लोग थे, लेकिन मेरे घर पे जो लोग मुझे बैठाने के लिए आए थे उनके मैं क्या नाम लूँ, क्या कमाल के लोग थे, क्योंकि उन्हें खतरा था कि ये 2-4 हज़ार वोट ले जाएगा, मैं ले गया था 10,000, और 5,000 वोट पे MPA सेलेक्ट हो गया था, अगर मुझे पता होता तो मैं MPA की सीट लड़ता, मुझे क्या पता, मैं MNA में उतर रहा हूँ। 10,000 वोट लिए थे, आप कह रहे चलिए वापस ले लो, मुझे 2 MPA की सीटें। लेकिन सबसे जो संजीदा बात है इसमें जो मुझे सीखने को मिली वो थी, इतना मुश्किल, इतना अहम और इतना इम्पॉर्टेंट, यानी ज़िंदगी में आप कौम के जब लीडर बनते हैं तो क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, शायद उनमें से मैं 5% भी नहीं उठा सकता, इतना अहम ओहदा होता है लीडर बनना। और मैंने उसी वक्त कसम खाई थी कि अगर मुझे कोई उस वक्त 2 करोड़ रुपया भी दे के ले फेयर इलेक्शन लड़ा तेरे पीछे हैं, तो मैं कहूँगा नहीं। और अब तक यही है, मुझे कवि के शेर से एक शेर याद आ गया जो इसने पढ़ा और ये नाकाम हुआ, जो मैंने पढ़ा मैं कामयाब हुआ, वो ये था कि मैंने कहा कि मेरे हाथ में अलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या डरा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गरूब होने वाला। फिर सामने किसने खड़े होना था।